नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर मैं हूं अशोक मानखड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक, एक हमारे कई बड़े बीजेपी के नेताओं के बातचीत का टोन बदल गया और जो हिंसा आज कोलकाता में हुई वो हार्ड कोर हिंदुत्व इस समाज पे लादने का एक प्रयास है ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि जो कांड वहां हुआ है वो घिनौना है उसका निंदनीय है पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को दिया है सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये सब होते हुए भी ममता में इस्तीफा देना चाहिए ये जो स्टूडेंट मूवमेंट चलाया गया उस स्टूडेंट मूवमेंट को पीछे से संघ और भाजपा ने दोनों हाथ खोल के समर्थन दिया कई एविडेंसेस है जो बंगाल पुलिस बता रही है कि जहां वीडियोस है कि बीजेपी के नेता अलग अलग जिलों से चौबीस परगना हो गया हावड़ा हो गया या हुबली हो गया वहां के लोग इस प्रदर्शन में आए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं राज्यपाल पहली बार हमने देखा लाइफ में कि राज्यपाल कहते हैं कि इस आंदोलनकारियों को आंदोलन करने दिया जाए आराम से होने दिया जाए लेकिन यह हिंसात्मक होगा यह पहले से लग रहा था हमने सुबह कार्यक्रम में कह भी दिया था और वो हिंसात्मक हो गया पूरी तैयारी के साथ था पथराव पत्थर फेंके गए पथराव हुआ अब यदि कोई कहे कि एक डॉक्टर की जान चली गई उसकी इज्जत लुट ली गई और उसमें भाजपा राजनीति करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि महिलाओं को न्याय मांगने की और एक तानाशाही चाहिए सरकार के खिलाफ आवाज है लेकिन ऐसी चीज यदि महाराष्ट्र में होती है तो फिर महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों को बंद नहीं करने दिया जाता महाराष्ट्र में जब लोग आंदोलन करते हैं छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक शोषण पे और जिस स्कूल में हुआ वो स्कूल भाजपा के ही किसी नेता का था या भाजपा उसका प्रोटेक्ट कर रही थी ये बात चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है तो फिर उस उग्र आंदोलन के खिलाफ बोला जाता है कि वो पत्थर लेके चले थे जबकि रेलवे ट्रैक से ही पत्थर उठा के फेंक रहे थे उसे राजनीति बोला जाता है बाहरी तत्व बोले जाते हैं ये दो दो अलग राज्य जहां एनडीए की सरकार है वहाँ आंदोलन करने पे राष्ट्रद्रोह होता है वहां आंदोलन करने पे राजनीति होती है घिनौनी राजनीति महिलाओं के अब्र लूटने पे और यदि वही विपक्ष की सरकारें है वहां होता है तो फिर बीजेपी की न्याय की लड़ाई है फिर वहां पे न्यायपालिका से लेकर राज्यपाल तक सब लग जाते हैं लेकिन मैं इस खबर को एक तरह से नहीं देखता मुझे योगी आदित्यनाथ का हेमंत विश्व शर्मा का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव का जब वक्तव्य सामने आया आता है तब फिर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की नींव दल गई है और वो नीव हिंदू वर्सेस रेस्ट करने की बात हो रही है क्योंकि 2024 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 240 पे अटक गई तो उन्हें एक बात का समझ आ गया कि जब तक वोट बटता है विपक्ष का तो वो जीतते हैं लेकिन विपक्ष यदि एक हो गया तो फिर विपक्ष की ताकत जो पिछड़े जाति के दलित ओबीसी है उनको तोड़ के हिंदुत्व के नाम से हिंदुत्व के छाते के नीचे यदि लाते हैं तो ही अपना भला है और इसके चलते हाल ही में आगरा में जब वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण था तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बांग्लादेश वाली गलती नहीं होनी चाहिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता जब राष्ट्र सशक्त रहेगा तो हम एक रहेंगे नेक रहेंगे यहाँ तो ठीक है उनने कहा बटेंगे तो कटेंगे यहाँ कौन बट रहा है और कौन बांट रहा है कौन काट रहा है और कौन कट रहा है यह सवाल है बटेंगे तो कटेंगे ये तमाम हिंदू एकता के लिए यह आह्वान तो नहीं था इसके पहले भी 20 प्रतिशत बनाम 80 प्रतिशत की बात योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं योगी, योगी आदित्यनाथ अपने आप को हिंदुत्व का ध्वजवाहक समझते हैं भगवा पहनते हैं और भाजपा के तमाम नेताओं में प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए सीधे सामने खड़े हैं दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा बहुत नया नहीं है संघ उनके साथ है ये भली भांति जानते हैं और संघ ने बार बार योगी का साथ देके दिल्ली को घुटने हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी एक तरफ लगातार जातीय जनगणना की बात करते हैं और जिसकी जितनी ताकत है उतनी भागीदारी होनी चाहिए सत्ता में और कौन कितना है ये देखने के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है और अगर जनगणना का नाम आते ही भाजपा के हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि अगर जनगणना आते ही हिंदुत्व के छाते के नीचे तमाम लोगों को जो इकट्ठा करने का प्रयास है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि सबको पता पड़ जाएगा कि हमारा परसेंटेज क्या है इस लोकसंख्या में और हमें मिल क्या रहा है इसलिए जब संविधान बदलने की बात हुई जब आरक्षण खत्म होने की बात की तो पूरा पिछड़ा वर्ग ओबीसी खुल के विपक्ष के साथ आया और बीजेपी यूपी में ओंधे मुंह गिर गई महाराष्ट्र में ओंधे मुंह गिर गई यह नरेशन नहीं था यह बीजेपी का मानस था क्योंकि सत्ता में आने के बाद भी और सत्ता बैसाखियों के बाद भी बीजेपी ने फिर लेटरल एंट्री से रिजर्वेशन खत्म कर आई एस अधिकारियों में जो रिजर्वेशन मिलता है उसे खत्म करने का प्रयास कर किया और 45 जगह पर अपॉइंटमेंट का ऑर्डर हुआ लेकिन फिर लोगों का विरोध देखते हुए खास इंडिया गठबंधन का विरोध देखते हुए वो चुप हुए ये रेखांकित करता है कि इनकी जो मनीषा है वो बार बार कहीं ना कहीं से निकलती है तो फिर इस हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे ये बात कही या कौन किसको काट रहा है वह अल्पसंख्यक हिंदू थे जब दंगे होते हैं तो अक्सर अल्पसंख्यकों पे भी हमले होते हैं और ये हमले सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुए कैनेडा में भी हुए ये यूके में भी हुए ये अमेरिका में भी मंदिरों पे हमले हुए तो दंगे को हमेशा उस एंगल से यदि आप देखेंगे तो दंगाइयों को कोई मंदिर से बेर नहीं होता लेकिन उन्हें लूटने ले के लिए जगह चाहिए होती है और मंदिरों में धन होता है मंदिरों में सोने की मूर्तियां होती है मंदिरों में बहुत कुछ होता है तो अक्सर हमने हमारे देश के ऊपर जब भी आक्रांता हुए तो सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा सबने देखा तो बांग्लादेश की स्थिति यहां क्यों होगी यहां कौन सा मुसलमान उग्रवादी बीस प्रतिशत लोग कितने उग्रवादी होके देश पे कब्जा करेंगे यहां तो अस्सी प्रतिशत हिंसक होके बीस प्रतिशत का कब ग्रास कर लेंगे या उनको कब खत्म कर देंगे पता भी नहीं पड़ेगा तो योगी आदित्यनाथ की बात की बटेंगे तो कटेंगे और बार बार बांग्लादेश की ओर इंगित करना हालांकि अखिलेश जी ने उसके ऊपर ट्वीट करके कहा भी कि भाई बांग्लादेश का मामला है आप मुख्यमंत्री है स्वयं को अभी से प्रधानमंत्री बनना मानना बंद कर दीजिए विदेश नीति पे केंद्र सरकार को बोलने दीजिए लेकिन ये सारी सारा डर जो है कि जातिगत जनगणना के नाम से जो राहुल इनके पैरों के नीचे के आसन खींच ले गए उसको संभालने के लिए ये फिर हिंदुत्व का मतलब माइनॉरिटी का डर दिखा के हिंदुत्व को एक करने का प्रयास करते हैं उसी तारतम्य में ये वक्तव्य था बटेंगे तो कटेंगे अब दूसरा वक्तव्य देख लीजिएगा जन्माष्टमी के पर्व पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इन्होंने कहा जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें हिंदू भगवान राम और कृष्ण की जय कहना होगा नागरिक अपने अपने धर्म को देखिए कैसी बातें बोलते भी हैं और डरते भी हैं आगे वो कहते हैं कि नागरिक अपने अपने धर्म को पालन करने के लिए आज़ाद है तो मुस्लिम धर्म का आदमी जय जय कृष्ण और जय राम क्यों बोलेगा जब उसका धर्म राम और कृष्ण को नहीं मानता ख्रिश्चन या सिख या जैन क्यों कहेगा बौद्ध क्यों कहेगा फिर आगे वो कहते हैं कि लेकिन उन्हें देशभक्त होना चाहिए देश में रहने के लिए राम कृष्ण की जय कहना होगा यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है यह नहीं चलेगा मध्यप्रदेश की भूमि पर रहने वाला आदमी कौन बाहर का बजाता है मध्यप्रदेश की भूमि पर कितने बाहरी हैं और यह बाहर के तत्व यदि है बाहर का बजाता है तो वो राष्ट्रद्रोह का मामला है तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है आप एक संविधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस देश में रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा ऐसा वक्तव्य देकर आप फिर अल्पसंख्यकों के अलग कर उन्हें अपना उन पर अपना धर्म थोपने की बात करते हैं यदि दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपको अपना धर्म पालने की आजादी है और उसके धर्म में कृष्ण और राम नहीं है तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि यहां रहना हो तो राम कृष्ण की जय बोलना होगा एक तरफ आप आप आपकी कार्यवाही नहीं होकर के एक टोकनिज्म के नाम पे एक वाक्य बोलते हैं लेकिन आपकी मनीषा जो है वो उसमें से झलकती है क्योंकि आपको भी डर है राहुल गांधी के जातिगत जनगणना का यदि जातिगत जनगणना बाहर आई तो ये जो उनतीस के उन्तीस आपको मिले वो नहीं मिलेंगे ये मोहन यादव जानते हैं इसलिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य पे भी राम कृष्ण और जय राम और कृष्ण के नाम के बगैर आप रह नहीं सकते ऐसी बात एक संविधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री कहते हैं ये संविधान की अवहलना है वो संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने थे और इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान और बीजेपी ये कभी साथ नहीं जा सकता भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हम संविधान की रक्षा करते हैं लेकिन संविधान को जहाँ उनको जगह मिले वहां संविधान को पैरों के नीचे रगड़ से बाज नहीं आते अब चलिए आसाम अभी तीनों मुख्यमंत्री में रेस लगी हुई है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा झेडा किसके हाथ में होगा हेमंत विश्व शर्मा मंगलवार को विधानसभा में उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा कि वह पक्षपात करेंगे मियां मुसलमान को आसाम पर कब्जा नहीं करने देंगे विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप पक्षपात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पक्षपात करूंगा आप मेरा क्या कर सकते हैं लोअर आसाम के लोग अपर आसाम क्यों जाएंगे ताकि मियां मुसलमान आसाम पर कब्जा कर लेंगे मुझे ये नहीं समझ में आता कि आसाम पे मुसलमानों ने कब्जा कब कर लिया यदि आसाम में मुसलमानों की एक जनसंख्या ज्यादा है लेकिन हिंदुओं से फिर भी कम है ऐसे में कोई भी मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेके सत्ता में बैठा है और सभी लोग पूरे आसाम की जनता का वो मुख्यमंत्री है वो कैसा कह सकता है कि मैं पक्षपात करूँगा जबकि शपथ निष्पक्षता के लिए है जो आदमी अपनी ली हुई शपथ पर भी टिक नहीं सकता उस इंसान का क्या कर सकते हैं न्यायपालिका मौन है संविधान पैरों के तले जा रहा है और आसाम का मुख्यमंत्री कहता है कि हां मैं पक्षपात करूंगा यह पहला राज्य होगा जहां कोई मुख्यमंत्री कहता है कि हम मेरे ही राज्य के एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से में नहीं लगा सकते जबकि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहीं भी जा सकता है एक दो सेंसिटिव राज्य है बॉर्डर के जहां तकलीफ है बाकी जब मुंबई मराठों की या मराठी की जब बात हो रही थी तो पूरे देश के उत्तर प्रदेश बिहार आसाम सभी दूर से लोग टूट पड़े शिवसेना पे और राज ठाकरे पे कहते हुए कि ये संवैधानिक अधिकार है कि हम मुंबई आए हमें रोक नहीं सकता जब मुंबई पे आने के लिए सबका यदि संविधानिक अधिकार है तो फिर लोअर आसाम के लोगों का यह संविधानिक अधिकार नहीं कि वो आसाम अपर आसाम में जाए अपने ही राज्य को दो हिस्सों में बांटने वाले हेमंत विश्व शर्मा कौन होते हैं क्या लोअर आसाम में ज्यादा मुसलमान है इसलिए उनको डर है कि अपर में आ गए तो फिर लोअर खाली हो जाएगा तो लोअर में आप अपने लोग भेजिए 24 घंटे जो वोट बैंक की और चुनावी राजनीति करता है उसके लिए लोअर बैंक लोअर आसाम अपर आसाम ये डिवीजन हो सकते हैं 24 घंटे जो सिर्फ वोट बैंक की बात करता हो या वही उसके दिमाग में चलता हो वही आदमी मैं इसके साथ पक्षपात करूंगा और इसके साथ निष्पक्ष रहूंगा यही बात कर सकता है चौबीस घंटे बात करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि सबका साथ विकास छोड़ दीजिए जिनने हमको वोट दिया हम उन्हीं का साथ देंगे उन्हीं का विकास करेंगे मतलब पैंतीस प्रतिशत देश यदि जन, 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 मिला है भाजपा को तो बाकी पैंसठ प्रतिशत के खिलाफ केंद्र सरकार काम करेगी क्या हम यह माने यदि शुभेंदु अधिकारी के शब्द माने तो यह तमाम वक्तव्य जब एक से देखता हूं एक ही बात समझ में आती है कि ये लोग एक शख्स जिसको ये पहले पप्पू कहा करते थे उससे इतने डर गए हैं कि उसके मुंह से जातीय जनगणना जैसे शब्द निकलता है ये हिंदुत्व का छाता लेके पूरे देश में अपने अपने प्रदेश में घूमने लगते हैं और अल्पसंख्यकों को डर दिखाकर हिंदू को इकट्ठा करना चाहते हैं जो हिंदू इनके कहने में नहीं आ रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इसलिए रोज इनको कभी बुलडोजर तो कभी क्या तो कभी क्या ये नए नए नुस्खे अपना कर ये उग्रता का प्रदर्शन करना होता है यह मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण और जय राम की जय बोलने की कंपल्सन आदेश है ऊपर से वहां बटेंगे तो कटेंगे सीधे हमकी है और वहां मुख्यमंत्री कहता है कि मैं पक्षपात करूंगा तुम क्या कर सकते हो ऐसे पागल मैं पागल ही कह सकता हूं ऐसे लोकतंत्र के खिलाफ बात करने वाले नेता को जनता ही अपने औकात दिखाती है ऐसा ही मद और अहंकार 2014 और 19 के चुनाव के बाद था दो ने उस अहंकारी को जमीन पर लाके रखा और बैसाखियों पे लाके रखा लेकिन दूसरों से कोई सीखे इतने बुद्धिमान तो ये है ही नहीं क्योंकि ये अनपढ़ भी नहीं पढ़े लिखे भी नहीं ये कुपढ़ों की जमात है आज इतना ही कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर